नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव रंधावा के अंदर 3-4 फैक्ट्रियां बनी हुई है और उन फैक्ट्रियों से ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने अपने सत्र पर पहले इन फैक्ट्री के जो संचालक है उनको एहतियात बरतने के लिए कई बार बोला है, लेकिन वो अपनी हरकतों पर से जो बाज नहीं आ रहे हैं और इससे परेशान होकर आज पूरे गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत इनके साथ हैं और वो यहां पर गांव के अंदर जो आबादी क्षेत्र है उससे महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है उनका अंदर का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह का मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, क्या जलाया जाता है, ये तमाम जानकारी के लिए यहां पहुंचे हैं। तो चलिए कुछ गांव वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर इनको क्या समस्या हो रही है और ये जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं। आज हम सब सर्व ग्रामवासी से लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी फसलें बहुत बर्बाद हो रही है, ये फैक्ट्रियां हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए हो रही है। गाँव में इतनी बीमारी हो रही है, फसलों में इतनी बीमारी हो रही है, सब कुछ काला हो रहा है, बहुत गंदा हाल है गाँव में। आप देखो फसल काली है, दरख्त काले है, इंसान है जो यहाँ पर पानी लगाते हैं खेत में, कृषि किसान काम करते हैं उसका सांस लेना तो इतना अभी कोई संभव होता ही नहीं। ना हमारे कोई लेबर नरमा चुगने आती है, अभी आपका नरमा यहाँ से काला है, ना मेन नरमा हमारे 2 क्विंटल किले का निकल रहा है, जहाँ हमारा नरमा 10 क्विंटल किले का निकलता था। लगभग ये मानो जी ये 3 किलोमीटर के एरिए में रंधावा गाँव के सभी किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, मरने के स्थल पर है। इससे ज़्यादा तो हम क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ सांस लेना काम करना तो दूर की बात है, सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है जब ये फैक्ट्रियां चलती हैं। ना हम यहाँ पानी लगा सकते हैं, ना हम कृषि कार्य कर सकते हैं, हमारे लिए ये दुविधा है। कैसे ही सरकार इसको इस हमारी समस्या को दूर कराएं, नहीं हमारा गांव कैंसर से, सांस के मरीजों से और इनकम न हो तो भूखमरी से मरेगा जी। ग्राम पंचायत सारी किसानों के सगे जी, क्यों किसानों की समस्या फैक्ट्रियों का विरोध पहली को नहीं हो, जब तक फैक्ट्री लग गई तब कोई विरोध क्यों नहीं होगा। मैं ही यहाँ सोचियो कि बैठे गाँव गाँव को रोजगार मिलेगा, ठीक काम होगा, पर फैक्ट्रियों को उठे नहीं तो कोई रोजगार मिली हुआ है, सिर्फ उठे मारे समस्या ही समस्या हुई है। जिसका खेत है वह बिल्कुल काला हो रहा है, नरमो चुगना रहा, नरमो महीना आवे को नहीं, क्यों दिन गए जावे तो अभी कोई एक आधो बड़ेड़ो है बंगा देखो दिखंड रेस देखो तो बिल्कुल काली होगी है, प्रदूषण बड़े खेत में जानो ही कौन सा है जी। तो दरखत है तो दरखत बने नहीं, कोई पौधा बने नहीं, की कौन बने नहीं, जमीन तक तक काली हो रही है यार। तो इतनी जमीन दरखत है, पौधा काला हो गया, जब आदमी सांस ले होगा वो तो मरे ही गो फिर तो बीमारी। ये फैक्ट्री तो अभी लगी है 2-3 साल ही हुई, 3 साल के लगभग फैक्ट्रियाँ ने हुई है, तो 3 साल हुई है। पहली स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, क्यों सोचियो लोग सोचियो क्या ठीक है अभी इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो अपन फायदा होगा, अपन बे फायदो को नहीं होगा, नुकसान होगा, हर किसान ने नुकसान है। तो मैं चाहवा DC साहब हम कोई ना कोई किसानों की समस्या को हल करें, भी फैक्ट्री हटाणगो को नहीं, मैं तो यहाँ का मारू प्रदूषण ने वे चीज़ प्रयोग कर फैक्ट्री में तो मैंने को नहीं ध्यान दिया क्या कोई रबड़ रबड़ है, रबड़ है या जो तेल है, टायरों की फैक्ट्री है, इले पास एक टायरों की फैक्ट्री और है तो बैंगो तो इतना ज़्यादा प्रदूषण, मतलब गाँव में गाँव के भीतर ही सांस को नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है सारी फैक्ट्रियाँ, पर फिर ही गांव के महीने आगो गांव के महीने आबादी के महीने असर होने लग रही है, इली फैक्ट्री का लिए पून चलेगी तो सांस ही को नहीं आवे। मेरा नाम नानू राम है जी, मेरो खेत बिल्कुल एन फैक्ट्री के अड़गे है, बैंक माँ कई बार रात ने पानी लगाओ तो फैक्ट्री बंद करवानी पड़े आदमी ने, इतना बुरा हाल हुआ है क्यों बड़े पानी कौन लगा इसका। दूसरी बात है कि मैं मेरी आँखें हम देखो टायर का छोटा छोटा बारीक बारीक बुरादो है अगर वो चलावे और तेल भी चलावे, जब भी मौका चलावे 2 घंटा तक सांस को नहीं आने दिए, और मेरा सारा खेती में जाके देख लो कोई फसल है अब मौके की कोई को नहीं, सारी खाली पड़ी है ये फैक्ट्री के कारण। नरमू है मेरा भी 2 मण, 1 कट्टो घुआर हुए है 2 किला वो फसल हुई है मेरे, अब की बार पिछली बार ये तो वो ही ला तो बस 2-3 मण किलो नरमू और घुआर तो हो ही कौन बिल्कुल बंद कराने खातर हुई जी। वह बस आए कह दिया कह थाने मेयर जानू पर देंगे, कभी कहते थाने पेमेंट दे दें, कभी कहते थरों जी तो वह जमीन मैंने ठेके दे दियो, अब ठेके दे देंगे तो बेटा बेट सारा टाबर बेला रहेगा, मैं तो बीए बेला अगर कोई मेरा काम ही कौन और खेती बाड़ी सुबह तो ठेके तो मैं अब दे कौन सका, क्योंकि 2-2 किला जमीन है आई मारी तो खत्म हो गई समझो। मैं अब 10 किला दूर हूँ, कड़बी काट के ले जे आता है मेरे देख लिया
दस किला दूर तक पूरा नुकसान हुआ वो भी आगे फिर थोड़ा कम ज्यादा है। पंकज नाम है मेरा, आपकी फैक्ट्री है? मैं काम करता हूँ यहाँ। तो ये कहाँ से रजिस्टर्ड है आपकी फैक्ट्री? सिरसा से रजिस्टर्ड है। सिरसा उद्योग केंद्र से? हाँ, जीएसटी नंबर है, पक्के में है सारी। जीएसटी नंबर ठीक है, लेकिन जिला उद्योग केंद्र के अंदर आपकी कंपनी का यहाँ पर इंडस्ट्री के नाम पर कोई रजिस्टर्ड है नहीं उनके पास? कौन कहता नहीं है, जो आरटीए मांगी गई है अभी गांव के ही है। आप जाके ढूंढो। हाँ, तो नहीं मैं क्यों, कौन मना कर रहा है, कौन कहता नहीं है? आरटीए के अंदर जवाब आया, वो मना कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ये जो टायर का तेल जलाया जाता है, टायर का तेल और टायर के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर जलाए जाते हैं? टायर का कोई टुकड़ा नहीं जलाते, हमारे टायर बलते ही नहीं है, टायर का रबड़ या कोई और चीज। इन्हें 2.5 साल हो गए यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, कोई आज तक तो 2.5 सालों में किसी ने हमें कहा नहीं। आज गांव के 100 लोग आए हुए हैं, ग्राम पंचायत भी आई हुई है, वो आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाते रहे तो लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे? ना अभी यहाँ पर कुछ टायर का बुरादा जो है वो यहाँ पर बरामद किया है, गांव के लोगों ने अपने सत्र पर इसको पड़ताल किया तो वो बुरादा इन्होंने यहाँ से बरामद किया है। तो कितना बुरादा है यहाँ पर इन्होंने देखा है वो तमाम बातें इनसे हम करते हैं, पूछते हैं इनसे। जी क्या देखा है अभी आपने? ओ देखो जी, रबड़ है, बुरादा है, हाँ प्योर रबड़ है जी, बिल्कुल, और काफ़ी कट्टा की मात्रा में पड़े जी, अंदर पड़े और दिखा दें सकना, 200-300 कट्टा अंदर पड़े है, प्योर रबड़ है जी, और कैंसर को रोग है सीधो, जमींदारों के लिए, गांव के लिए, सारा के लिए नुकसानदायक चीज़ है जी। हाँ, सेठ का भी 2 साल हो गया, मैंने कहीं कहो को नहीं, मैं सबूत हूँ जी, मैं 10 बारी कह चुके हूँ पहले, मेरी है वो 8 रकबा पड़े जी, बिल्कुल सड़क के पास में, राम जी लाल शाह को रकबा पड़े जी, राजेश को पड़े, लादू राम जी को पड़े जी, सारा आगे कई बार कह चुके हैं, लेकिन इन्हें गौरी कौन करी, कभी बात भी कौन करी हमारे साहब पूरी बैठ गए, लेकिन अब आज वो काम है नहीं, एम करे नकल आज और प्योर रबड़ देख लीजिए। मेरा नाम राम जी लाल है, मैं सारी पंचायत सारे जमींदारों ने लेके आगे खेतों में इकट्ठा होया, आगे फैक्ट्री के ना सारा आगे सेठ ने बुलायो, एक बार तो सेठ मारकन आयो, थोड़ी बातचीत करी तो एक ने सिर्फ प्योर रबड़ टायरों कटेड़ो मिलो, वो ले आगे दोबारा भी नहीं दिखाने वास्ता, मैं सारा इकट्ठा होया तो वो किनी फरार हो गयो, अठे मौका पर अब नहीं है, अब एंगो जो भी हो सरकार संविधान करे फैक्ट्री हटाए, नहीं तो हम बर्बाद हो चुके हैं। कुछ देर पहले हमने बात की थी यहाँ के जो संचालक हैं, उन्होंने जो एक कारिंदा रखा हुआ है इसकी देखरेख के लिए, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पर टायर का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जलाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर गांव वालों की नज़र से वो टायर का बुरादा ये बचा नहीं पाए और यहाँ पर पूरा स्टॉक यहाँ पर एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसको ढका हुआ था। रात के समय में गाँव के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी कि कल पत्रकार यहाँ आएंगे और फैक्ट्रियों के अंदर हम चलेंगे, तो उसके बाद में जो फैक्ट्री के जो संचालक हैं उनके जो कारिंदे हैं उनको इसका पता लग गया था और उसके बाद में उन्होंने पूरा का पूरा जो रबड़ था उसको यहाँ पर जो ढक कर एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो रख दिया था ऊपर चादर से, उसको पूरी तरह से उसको ढक दिया था, लेकिन गांव वालों ने उसको भी ढूंढ निकाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितना यहाँ पर रबड़ का प्रयोग किया जाता है और उस रबड़ से कितना नुकसान हो रहा है, ये अभी आपने गाँव वालों से सुनाई है।